रेफरी आज अब्दुल मजीद की अगुवाई में दोनों टीमें मैदान में प्रवेश करती हुई एसएसबी विमेन्स सिलीगुड़ी और ट्राइबल गर्ल्स ऑरेंज रंग की जर्सी में ट्राइबल गर्ल्स की टीम और एसएसबी विमेन्स सिलीगुड़ी गहरे लाल रंग की जर्सी नहीं आए इंटरवल में करवा दो तो मस्जिद में इनके साथ हैं AR1 धनुनाथ विश्वासी AR2 जफर आलम और फोर्थ ऑफिशियल रेफरी होंगी अंजिम खिलाड़ी दोनों ही टीमें आमने सामने आज के दूसरे मैच के लिए रेफरी अब्दुल माजिद के विशीला किक ऑफ चौर पर गेंद सिलीगुड़ी का आक्रमण बन सकता था लेकिन गेंद टच लाइन से बाहर और आज हमारे साथ हम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के स्वागत कर मंच तक लेकर आती हमारी बच्चियां समिति की बेहतरीन पास अच्छा तालमेल सिलीगुड़ी का दाहिनी छोर पर गेंद एक अच्छा मौका सिलीगुड़ी के पास दाहिनी छोर से आक्रमण बनता हुआ बॉक्स के अंदर लेकिन गेंद पर नियंत्रण नहीं गेंद गोल लाइन से बाहर फूलों का गुलदस्ता देकर और हमारी समिति के सदस्य बैच देकर आदरणीय श्री शशि भूषण भगत जी का स्वागत करेंगे फूलों का गुलदस्ता हमारी समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री मेलोडियस यशोमिता जी की ओर से दिया जा रहा है स्वागत है सर आपका स्वागत सम्मान श्री शशि भूषण भगत जी को आक्रमण बनता हुआ सिलीगुड़ी का लेकिन नॉन डिफेंडर मौजूद और साथ ही मैं आग्रह करूंगा श्री चारू राव जी श्री अजीत भगत जी का इच्छा देकर स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आग्रह करूंगा श्री अल्फ्रेड लकड़ा जी से
मंच पर आसीन बड़े भाई श्री नरेश पाहन जी के स्वागत के लिए आए। अच्छी ड्रिबलिंग बाई छोर पर, अच्छा क्रॉस, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद, कोई मौका नहीं, पर बॉल पोजीशन अभी भी सिलीगुड़ी के पास, खतरनाक हो सकता है। और यहां पर हैंडबॉल करार दिया रेफरी अब्दुल माजिद ने, पेनल्टी अर्जित करती हुई सिलीगुड़ी की टीम। पेनल्टी किक के लिए जर्सी नंबर 11 तैयार एसएसबी की मोनिका, बहुत ही बेहतरीन गोल मोनिका का, दूसरा गोल करने में कामयाब अपनी टीम के लिए। और फिर से अब मध्यांतर से पहले सिलीगुड़ी की टीम 1-0 से आगे। दो एक से आगे सिलीगुड़ी की टीम। या फिर एक मौका बनता हुआ सिलीगुड़ी के लिए, जर्सी नंबर 9 एन सुमिला, कैथरीन क्रॉस पास, जर्सी नंबर 6 के लिए। अब दाहिने छोर से मौका बनाने की कोशिश, काफी दूर से निशाना साधना चाहता, निशाने से काफी ऊपर गेंद, बिल्कुल लाइन में 2 गज की दूरी पर बैठे हमारे मेंबर्स, आप इस बात का ध्यान दें कि दर्शक आउटलाइन से दूरी बनाकर बैठे। काफी दूर से प्रयास, लेकिन उतना ही उनका प्रदर्शन यहां पर दिखाया है, बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखाया मनीषा कच्छप ने, ट्राइबल गर्ल्स की गोलकीपर है, थोड़ी चोटिल नजर आती हुई। अच्छा क्रॉस, लेकिन वहां कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं, पर बॉल पोजीशन बनाने में कामयाब सिलीगुड़ी की लड़कियां। काफी दूर से परीक्षा लेना चाहती है गोलकीपर मनीषा कच्छप की, जर्सी नंबर वंदना को ढूंढना चाहती थी, पर थोड़ी पीछे रह गई गेंद से, बॉल पोजीशन सिलीगुड़ी के पास, मेंडा से पीछे ले, पवार रख, पवार रख, पवार रख, खाली पवार रख, पानी यहां से जगह, बगल से यहां से बिरयानी वाला शरीर पवार रख, इधर कोर्ट झरना, आवार आवार एक बार जाए झरना, कोर्ट अच्छा संतुलन गेंद के साथ, टीम अप, टीम अप, टीम अप, टीम अप, टीम अप कर, যা বন্ধ না যা না লাস্ট ডিফেন্সে থাক না বন্ধ না তুই তুই সেন্টার লাইনে থাক রে চল 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 মিনিট বনতা হুয়া খেলো সরি খেলো তো সরি ডিফেন্স আও আরে উল্টা হইছে এক এক নাম 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 নিচে তুলো স্টপ 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 করে দিবি জব করে তো দাঁড়া যাবি अच्छा मौका यहाँ पर, काफी तेज गति से बॉक्स के अंदर,
और गलती कर बैठी। शादियों का छाड़ते बोलना ओके। बेहतरीन मौका था यहाँ पर ट्राइबल गर्ल्स के लिए। कॉर्नर अरे पाड़ है सबका पूरा जल्दी की तरह काम दे रहे। फिर से एक अच्छा मौका दूलर, लेकिन वहां गोलकीपर मौजूद, लगातार दो मौके गवाए सिलीगुड़ी की टीम ने। मध्यांतर के बाद का खेल तीन एक से बढ़त बनाई हुई है। सीमा सुरक्षा बल सिलीगुड़ी की टीम दैनिक से फिर एक मौका बनता हुआ सिलीगुड़ी का, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद। और इन सभी मैचों के ढूंढ सकते हैं एलविन फुटबॉल, झारखंड एफसी, डीजे फुटबॉल, जीतू गाड़ी ब्लॉक, रांची फुटबॉल, ओपी फुटबॉल रांची और साथ ही राज स्टूडियो वाला और ग्रीन पार्क फुटबॉल। आप सभी यूट्यूबर्स एलविन, छोटू, रंजीत, जीतू, जॉन, विकास, डब्लू और पवन उराजी को बहुत बहुत धन्यवाद समिति की ओर से। अच्छा अपना बनता हुआ यहाँ पर जर्सी नंबर 12, लेकिन सीमा सशस्त्र बल की डिफेंडर वहां मौजूद। अच्छी की अच्छा मौका एक बार Thank you.
बॉल पोजीशन है बीबी सिलगुड़ी के पास, लेकिन यहाँ रेफरी अब्दुल मजीद की विशेष एक मौका बनता हुआ सिलीगुड़ी के लिए जर्सी नंबर 10 गेंद के साथ अच्छा मौका और यहां गोलकीपर मनीषा के हाथों को छूती हुई गेंद गोल जाल से जा मिली, चौथा गोल किया अपने टीम के लिए उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन पास साथी खिलाड़ी रंजीता देवी के लिए, तेज गति से बॉक्स के अंदर गेंद लेकर अच्छा पास यहां पर दुलार के लिए, बेहतरीन मौका लेकिन डिफेंडर ने वहां मौका जाने नहीं दिया। बॉल पोजीशन अभी भी सिलीगुड़ी के पास, इस बार बाएं छोर से जर्सी नंबर 9 सुमिला साथी खिलाड़ी पास दिया गेंद पीछे, आक्रमण बनता हुआ जर्सी नंबर 18 गेंद के साथ फिर से एक बेहतरीन पास जर्सी नंबर 7 के लिए और यहां पांचवा गोल दागने में सफल जर्सी नंबर 7 एम रंजीता देवी। और एक फ्रीकिक आता हुआ ट्राइबल गर्ल्स के लिए, रीना मेहता ने किक लिया लेकिन आसान सा कलेक्शन गोलकीपर मंजू के लिए। और यहां परिवर्तन नजर आ सकता है नंबर 11 ममता, फिर से एक बार दुलार मार्डी के लिए पास काफी दूर से लेकिन अच्छा एफर्ट दिखाया वहां गोलकीपर मनीषा कच्छप एडवांस पोजीशन पर आई, गोलकीपर ट्राइबल गर्ल्स की अच्छा कलेक्शन दिखाया। और एक खिलाड़ी गेंद के साथ सुमिला चानू, अच्छा क्रॉस अच्छा हेडर लेकिन थोड़ी बदकिस्मत रही इस समय कप्तान दुलार मार्डी मरांडी, गोल बार से जाकर लगी गेंद। बहुत ही बेहतरीन पास अच्छा वन लेफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ जर्सी नंबर 4 पूर्णिमा लिंडा,
और मैच लगभग अंतिम समय की ओर आता हुआ